हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के बारे में। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडेंस के, क्यों क्यों जरूरी हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं गाइडेंस में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। गाइडेंस के बारे में आपको मैं पहले ही काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्रॉपर इस सब्जेक्ट के ऊपर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको सारी वीडियोज़ सारे टॉपिक्स कवर हुए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम गाइडेंस की बात करते हैं तो उसको फॉलो करना जरूरी है। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं विच वी नीड टू फॉलो, जिनकी हम बात करेंगे। गाइडेंस इज फॉर एवरीवन। ठीक है, गाइडेंस क्या है? सबके लिए है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी एक को ही दिया जाएगा जिसको बहुत ज्यादा हमें लग रहा है जरूरत है। नहीं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस इज दैट इट शुड नॉट बी अवेलेबल ओनली टू फ्यू बट रेदर टू मैनी। आप केवल एक दो जनों को नहीं अवेलेबल कराओगे, सबके लिए अवेलेबल है गाइडेंस, सबको दी जा सकती है। इट वुड बी अ ग्रेट यूज टू डिवोट अटेंशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यानी कि जरूरत पड़े और अगर लग रहा है तो सारे बच्चों को अटेंशन दी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली एक पे फोकस करना है, हमें कोशिश करनी है कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो अच्छे से हो। और ये जो गाइडेंस है ये लिमिटेड नहीं है केवल कुछ लोगों तक, ये लिमिटेड है, जिसे कहना चाहिए, सबके लिए। दिस इज बेसिकली फॉर एवरीवन। सो गाइडेंस इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फ्यू पीपल, कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं है। ये एक प्रिंसिपल हो गया। इसके अलावा गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज हमने गाइडेंस लिया खत्म हो गया। नहीं, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और डेथ तक चलता ही रहता है। किसी ना किसी वे में कहीं ना कहीं हम चीज़ें सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं, गाइड हमें गाइडेंस मिलती रहती है। इट इज़ नॉट अ सर्विस विच बिगिंस एंड टर्मिनेट एट स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस। ऐसा नहीं है कि ये एक सर्विस है कि आज स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है, कल खत्म हो गया। नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। बेसिकली ये चलता रहता है और ये खत्म नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग चीज़ें सीखते हो आप लोग। इट इज़ समथिंग विच कंटिन्यू फॉर लाइफ, हमेशा के लिए ये रहता है, हमेशा ये हमें इसका समझना चाहिए कि हमेशा के लिए। इट्स नॉट समथिंग कि आज खत्म हो गया या कल खत्म हो गया। ठीक है, नाउ गाइडेंस गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ डायरेक्शन। देखो होता क्या है ना, जब कोई बंदा गाइडेंस के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले तो ठीक है बाकी सब चीज़ें पता चलती हैं, बट कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है कि आप अपने बारे में देखिए, अपने आप समझिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, आप समझिए आपके आसपास क्या हो रहा है। तो गाइडेंस मेक द इंडिविजुअल बेटर एडजस्टेड टू हर और हिज एनवायरमेंट। उसके आसपास के इन्वायरमेंट में उसको एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, एंड उससे क्या होता है ना, वो खुद को समझता है, उसको खुद को डायरेक्शन मिलती है इस तरीके से। द मेन आइडिया ऑफ गाइडेंस इज टू डेवलप द इंडिविजुअल। क्या मतलब मेन आइडिया है इसके पीछे, कि इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे ताकि ही नो लॉन्गर फाइंड इट नेसेसरी टू सीक गाइडेंस। आप उसे तब तक उस पॉइंट तक गाइड करोगे जब तक उसको लग रहा है कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा हो गया, मतलब अब मुझे समझ में आ गया, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, आई एम पीस विद माई सराउंडिंग, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। सो तब तक आप उस पर्सन के अंदर, मतलब जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप इम्पार्ट करोगे, उसके अंदर वो डालने की कोशिश करोगे। अ स्टूडेंट हु ट्राइज टू सीक हेल्प आस्क एंड मे इवन आस्क द काउंसिलर टू टेल हिम हर हाउ टू सॉल्व हिज हर डिफिकल्टी। जो पर्सन या स्टूडेंट गाइडेंस लेने आए हैं वो पूछ सकते हैं काउंसिलर से कि कैसे मैं अपनी ये परेशानी सॉल्व करूँ, हाउ आई एम सपोज टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी ऑफ माइंड। So this can also be seen with the guidance, and guidance is based on cooperation. बहुत हद तक ये cooperation पे based है। It depends on mutual cooperation of two individual. दो individual की mutual cooperation, कि वो साथ में कैसे हैं, मतलब साथ में कैसे वो work कर रहे हैं। The guidance seeker and the guidance giver. यहाँ पे जो guidance लेने आए हैं और जो guidance दे रहे हैं, दोनों के mutual cooperation पे सब कुछ dependent है। ठीक है, आपस में वो कितना अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, कितना अच्छे से समझ रहे हैं, कितना अच्छे से एक की बातों से दूसरा प्रभावित हो रहा है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर। नो वन कैन बी फोर्स टू सीक गाइडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल हर हिमसेल्फ। पर्सन, जो भी पर्सन गाइडेंस ले रहा है, कोई जबरदस्ती किसी को गाइडेंस नहीं दिला सकता। ये पर्सन जिसको गाइडेंस लेनी है उसकी खुद की कंसेंट होती है। इन गाइडेंस द पर्सन हु इज गिविंग गाइडेंस एंड द अदर पर्सन ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द सेम बिल्डिंग। यहाँ पे जो पर्सन गाइडेंस दे रहे हैं और जो दूसरा पर्सन, द अदर पर्सन, सारे के सारे यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है एक बिल्डिंग का। एज इन कोई पर्सन है जो गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट है और जो गाइडेंस लेने आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी एक को हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो कोई नहीं, ये ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। गाइडेंस इज नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि बस हो गया एकदम से, रैंडमली कभी भी हो गया, कुछ भी समझा दो।
इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. अगर कोई पर्सन की गाइडेंस स्टार्ट होती है तो एक गोल होता है जिसकी तरफ जाना होता है, एक पर्पज होता है जो अचीव करना होता है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी हिसाब से मूव करता है. सो इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट हैज अ डेफिनेट पर्पज. पर्पज होता है गाइडेंस के पीछे जो हमें अचीव करना है. इट इज देयर फॉर अ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. इसीलिए ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई एक्टिविटी. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, गाइडेंस की. गाइडेंस गिव्स रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कई बार गाइडेंस जो देते हैं उनके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग आते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि दो इंडिविजुअल सेम नहीं है, दे आर नॉट अलाइक, दे आर डिफरेंट. गाइडेंस अंडरस्टैंड करता है इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और ये भी देखता है कि हाँ भाई सब अपने आप में यूनिक हो सकते हैं, सबकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं. उस बेसिस पे गाइडेंस को इम्पार्ट किया जाता है. गाइडेंस रिस्पेक्ट ऑल दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द पीपल. गाइडेंस में आप सारे ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो गाइडेंस गिव रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर किसी को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, एज इन हर किसी के डिफरेंसेस को. एंड इट इज समथिंग जो कि समझना है कि हर पर्सन इंडिविजुअल अलग होता है. गाइडेंस फ्लेक्सिबल भी होती है, ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी रिजिड. मतलब ऑब्वियसली नॉर्म्स फॉलो करने हैं, हर एक चीज फॉलो करनी है, बट इट इज नॉट रिजिड. इफ अ पर्सन रिक्वायर सम डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब उसको आसपास कुछ डिफरेंस देखते हुए कि ये पर्सन थोड़ा अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइडेंस को चेंज कर सकते हैं. एन ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी नीड्स. एक ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम का मतलब वो एक प्रॉपर ऐसा मतलब गाइडेंस प्रोग्राम जो कि किसी भी पर्सन और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो क्या कहते हैं गाइडेंस है ये सेम रहेगा, रिजिड रहेगा, नहीं. इट इज फ्लेक्सिबल पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी यू नो मॉडिफाइड. सो दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस कि वो फ्लेक्सिबल होता है. गाइडेंस वर्कर्स नीड स्पेशल प्रिपरेशन. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बैठ के गाइडेंस कर दे, गाइड कर दे, वो तो चलो हो गया, हमारे आसपास वाले हमें सही पॉजिटिव गाइड करें. लेकिन जनरली द पर्सन हु आर इनटू दिस फील्ड वो क्या करते हैं, मतलब उनको प्रॉपर अच्छे से वो उन्होंने पढ़ाई की होती है, सर्वे कोर्स किए होते हैं जिसमें उन्होंने कहते हैं ना कि एक बेसिक मिनिमम चाहिए है कि हमें प्रिपरेशन करना है. कोई भी चीज़ है हमें पहले प्रिपरेशन करना है. कोई स्पेशलिस्ट है उनको एक प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए, जब तभी वो गाइड कर पाएंगे. ठीक है, इसमें भी गाइडेंस में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं. कुछ लोग गाइड करियर के रिगार्डिंग, कई लोग एजुकेशन, कई लोग जैसे कहते हैं फैमिली के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. साइकोलॉजी इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, मेंटल हाइजीन, सम अदर वर्क विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाइल्ड और एडोलेसेंट की डेवलपमेंट का, आपका मेंटली आप कैसा चल रहे हो, आपका दिमाग कितना सही चल रहा है, सम कोर्स मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. द गाइडेंस वर्कर शुड ऑल्सो नो दैट एजेंसीज एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सॉरी, वॉट एजेंसीज एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सपोज आपके पास कोई गाइडेंस लेने के लिए आया और आपको पता है कि उसको शायद इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एजेंसीज रिसोर्सेज पता हो. आपके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अपडेटेड. ठीक है, तो आपके अपडेट होने से, अपडेटेड होने से बहुत फ़र्क पड़ता है. सो यहाँ पे लिखा है एजेंसीज आर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन हिज हर कम्युनिटी सो दैट द इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प शुड बी एबल टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. वो पर्सन इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके. अलॉन्ग विद दिस पीरियोडिक अप्रेजल शुड बी मेड ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम. कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज आनी चाहिए, प्लस कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते रहने चाहिए. लोगों को प्रिपरेशन पता होनी चाहिए कि हमारा काम ये है तो हमें किस चीज़ से रिलेटेड अपडेटेड रहना है. गाइडेंस एम्फेसाइजेज ऑन कोड ऑफ एथिक्स. यहाँ पे कई कोड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके ही लिए बेनिफिशियल नहीं है, काफ़ी अगेंस्ट भी जा सकता है. यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है. समवन इज कमिंग टू यू विद सम प्रॉब्लम एंड आप उसको डिस्कस करोगे, तो इसलिए आपने देखा होगा कई सारे कोड्स होते हैं कि यू कांट मतलब टेल अबाउट योर क्लाइंट्स टू अदर्स, यू कांट डिस्कस देम, और ये सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कैसी भी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस और समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, और क्यों ज़रूरी है हमें इन चीज़ों को फॉलो करना. सो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ही लोगों के लिए कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एमएड की, बीएड की और स्पेशली सब्जेक्ट की गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, आपको जो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके इसको चेक ज़रूर कीजिएगा.
एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.